सन 1962 भारत के इतिहास में शामिल हुआ एक और महत्वपूर्ण साल। हमें आजाद हुए महज 15 वर्ष ही हुए थे। अगर हम उसे जिंदा पकड़ लेते तो दुश्मन की मूवमेंट की जानकारी हमें मिल जाती। मैं जिंदा पकड़ना चाहता था उसको। शेर सिंह, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं जो सही निर्णय लेना एक सच्चे सिपाही की पहचान। हमने हिम्मत नहीं हारी है साहब। बॉलीवुड के गदर मचाने वाले सुपरस्टार सनी देओल की एक और खतरनाक मूवी की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से इस फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी और जब से मूवी की अनाउंसमेंट हुई है तब से लोगों में फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं सनी देओल की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म लाहौर 1947 की। अभी हाल ही में रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से धूम मचाई उससे तो यह साफ हो चुका है कि सनी देओल 90 दशक की सुपरस्टार था और इस दशक में उससे भी बड़ा सुपरस्टार है। जहां इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बड़ा बड़ा सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूल चाटते हुए नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ सनी देओल ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि वो सुपरस्टार था और आज भी सुपरस्टार है, उसके टक्कर में कोई भी नहीं है। इसलिए अब सनी देओल बहुत ही जल्द उनकी फैंस के लिए गदर 2 से भी दमदार फिल्म लेकर आ रही है जिसकी स्टोरी एकदम खतरनाक होने वाली है। बात करें मूवी की स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में देखने को मिलने वाली है और सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि फिल्म में हमें आमिर खान की छोटा सा केमियो भी देखने को मिलने वाली है और बाकी की कास्टिंग के बारे में हमें बहुत ही जल्द मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इस फिल्म में और कौन कौन सा बड़ा कलाकार देखने को मिलने वाली है। लेकिन सुनने को मिल रहा है कि फिल्म में हमें साउथ से भी कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाली है। बात करें मूवी के डायरेक्टर की तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन में बनाया जाएगा और इनकी कहना है कि ये फिल्म अब की बार काफी दमदार फिल्म होने वाली है जिसमें कि काफी खतरनाक एक्शन तो देखने को मिलेगी और साथ में दमदार कहानी भी देखने को मिलने वाली है। फिल्म की कहानी 1947 की इंडिया और पाकिस्तान की वार के बीच होने वाली है। अब देखना यह होगा कि राजकुमार संतोषी इस कहानी को किस तरीके से बड़े पर्दे पर लेकर आए, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। फिल्म की शूटिंग तो स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही जल्द हमें फिल्म से कोई टीजर या ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद ही हमें इस फिल्म से और भी कई सारे अपडेट मिल जाएगी जैसा कि फिल्म की स्टोरी क्या रहने वाली है और फिल्म में हमें किस कदर एक्शन देखने को मिलने वाली है। फिल्म के बजट की बात करें तो अब की बार फिल्म के बजट भी काफी खतरनाक रखा गया है और फिल्म के बजट लगभग 400 करोड़ का है। इससे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि ये फिल्म किस लेवल की फिल्म होने वाली है। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं दी गई है लेकिन बहुत ही जल्द फिल्म की रिलीज डेट भी रिलीज कर दी जाएगी। तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।